इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जौलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। स्कूलों की छहमाही रिवीजन परीक्षा कल से शुरू हो रही है। ये परीक्षा ओपन बुक पैटर्न पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा को आयोजन को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने एक बैठक आयोजित कर परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा में छात्र पेपर घर पर भी ले जा सकते हैं और क्लास में बैठकर भी परीक्षा दे सकते हैं। जो हमने यूडाइस की एंट्री की थी, क्योंकि कोरोना काल में हमने उसकी एंट्री की थी, पर फिर भी हमारे पास एक रफ आंकड़ा आ गया था कि हमारे पास क्या एनरोलमेंट इस वर्ष का कितना रहना चाहिए। उससे हमने ना इस बार की जो मैपिंग शिक्षकों के द्वारा हमारे बीआरसीओं के द्वारा की जा रही है, उसकी समीक्षा हेतु आज एमआईएस को और बीआरसी को जिला शिक्षा केंद्र में बुलाया था। अभी हमारी लगभग 92% मैपिंग हो पाई है, जिसके लिए बार बार हमें राज्य स्तर से बोला जा रहा है कि उस मैपिंग को हमें 100% करना है। तो सबसे ज्यादा अभी हमारे पास यहाँ पर नगर में डिफरेंस आ रहा है, तो हमने दोनों बीआरसीओं को अभी निर्देशित किया है कि एक हफ्ते के अंदर ये मैपिंग पूर्ण करा लें, ताकि किसी भी योजना का लाभ ना मिले, ऐसा कोई बच्चा छूटे ना हमारे। वाहन निर्माणी जबलपुर में अब अत्याधुनिक सुरंगरोधी वाहन बनाए जाएंगे। VFJ सुरंगरोधी वाहन मॉडिफाइड माइंस प्रोटेक्टिव व्हीकल की ओर उन्नत बनाने में जुटी है। 12 सैन्य जवानों को एक साथ ले जाने में सक्षम इस वाहन को 5 से 35 किलोग्राम का बारूदी सुरंग भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है। आतंकी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ये वाहन काफी उपयोगी साबित होगा। शक्तिशाली इंजन के चलते ये वाहन दुर्गम रास्तों पर भी आसानी से जा सकती है। VFJ के महाप्रबंधक अतुल गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में वाहन को और उन्नत बनाने की जानकारी दी। दीपावली के बाद वातावरण में बढ़ा प्रदूषण और घटी शारीरिक दूरी ने कोरोना के पलटवार का खतरा बढ़ा दिया है। 1.5 माह तक मरीजों के लिए तरसे अस्पताल में कोरोना के मरीज, डिस्चार्ज कम और भर्ती ज्यादा हो रहे हैं। एक निजी अस्पताल में 45 दिन में कोरोना के सिर्फ 8 मरीजों ने उपचार कराया, जबकि अब हर रोज 8 से 10 भर्ती हो रहे हैं। अन्य अस्पतालों में भी मरीज पहुंचने लगे हैं। खतरे की आहट मिलते ही अस्पतालों में बंद पड़े कोविड वार्डों को खोला जाने लगा है। प्रशासन स्तर पर चिंता शुरू हो गई है कि खतरा कैसे टाला जाए। हालांकि राहत की बात यह है कि अब भी अस्पतालों के कोविड वार्डों में ज्यादातर पलंग खाली पड़े हैं। ऑक्सीजन सुविधा वाले कोविड वार्डों में 77, आईसीयू में 74% पलंग खाली है। वेंटिलेटर सुविधा वाले वार्डों में 90% जगह बची है। 5 नए कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए गए हैं, उनकी जानकारी है। PNB कॉलोनी दमोह नाका वार्ड नंबर 27, बिलहरी जबलपुर वार्ड नंबर 66, आज़ाद वार्ड पनागर आज़ाद वार्ड में, साकार सनराइज अपार्टमेंट नेपियर टाउन वार्ड नंबर 33 और सागर बिल्डिंग पुराना पुलिस लाइन रांझी वार्ड नंबर 62। ये 5 नए कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए गए हैं। इसलिए इस प्रकार कुल एक्टिव कंटेनमेंट 25 हो चुके हैं। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 738 है। होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 729 है और होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 413 है। हमने हमारे कोरोना कंट्रोल रूम स्थापित किया, जिसमें 24 घंटे कोरोना से संबंधित किसी जानकारी ली जा सकती है या कोई शिकायत हो तो नोट कराई जा सकती है। उसका नंबर है 07612637500 से लेकर 505। हम लगातार ये आह्वान कर रहे हैं कि त्योहारों के कारण और ठंड बढ़ने के कारण यदि सावधानी नहीं बरती गई तो केस बढ़ेंगे, और कुछ परिलक्षित भी ऐसा ही हो रहा है कि धीरे धीरे केस बढ़ते जा रहे हैं। आज 60 केस हो गए हैं, कुछ दिन पूर्व ये 30 केस थे। ये इंडिकेट कर रहा है कि अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। अभी इस समय भी अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता प्रतीत होती है। उसमें आवश्यक है कि अनावश्यक रूप से आप घर से बाहर न निकलें। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुहागी में पदस्थ सुपरवाइजर की चिट्ठी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में हड़कंप मचा दिया। सुपरवाइजर ने दवाइयों को जलाने के लिए एक स्टाफ नर्स को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें सिर्फ इसीलिए लाखों रुपए की दवाओं को आग के हवाले कर दिया गया क्योंकि उसके पास उनका रिकॉर्ड नहीं था। सुपरवाइजर बतौर प्रभारी केंद्र में नियुक्त की गई है। हालांकि अब तक इस मामले में CMHO कार्यालय ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जलाई गई दवाओं में कोरोना संक्रमण काल में मरीजों के लिए उपयोगी दवाएं भी शामिल थी। दवाएं 12 नवंबर को दिन दहाड़े जला दी गई। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुहागी में स्टाफ नर्स की मानी यही समाप्त नहीं होती। उसे शासन और प्रशासन के निर्देशों की भी परवाह नहीं है। शासन के निर्देश हैं कि फीवर क्लिनिक को रात्रि सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक खोला जाए। सुपरवाइजर का आरोप है कि दोपहर से 8 बजे वाली ड्यूटी पूरी करने से पहले स्टाफ नर्स फीवर क्लिनिक पर ताला लगा देती है, जिसके कारण मरीज परेशान होते हैं। बड़ौताल के ओरिया में स्थित गुप्ता वेयर हाउस में चल रही मसाला फैक्ट्री में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। छापामार कार्रवाई के दौरान पता चला कि वेयर हाउस मालिक चावल और भूसी में कलर मिलाकर मसाले तैयार कर रहा था। मौके से नमूने जब्त कर वेयर हाउस मालिक पर कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग,
पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जीएनएम, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बायपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित, ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सिहोरा खेतौला थाना क्षेत्र में जय भवानी कॉलोनी में स्थित एक सोने घर में चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी चुरा ली। पुलिस ने मार्ग कायम कर प्रकरण में जांच ले लिया है। 4 साल पहले कराई गई नसबंदी का ऑपरेशन फेल होने के कारण एक महिला गर्भवती हो गई। कुछ दिन पूर्व अचानक शुरू हुई उल्टियों का उपचार कराने के लिए जब वह चिकित्सक के पास पहुंची तो गर्भधारण का पता चला। महिला ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण की खातिर उसने 2 बच्चों के बाद नसबंदी करवाई थी। वह और उसके पति बेरोजगार है। महंगाई के दौर में 2 बच्चों का भरण पोषण भी मुश्किल हो रहा है। 3रे बच्चे का पालन वे कैसे कर पाएंगे। सोनोग्राफी रिपोर्ट सहित दंपति ने नसबंदी ऑपरेशन फेल होने की शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में की है। चंद्रशेखर वार्ड गणेशगंज रांझी निवासी गुलाब चौधरी ने बताया कि 2 बच्चे हो जाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी रेनू चौधरी का नसबंदी का ऑपरेशन सिविल अस्पताल रांझी में 22 दिसंबर 2016 को कराया था। खजरी खिरिया बायपास रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज गति से आ रही कार ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने कार को रोककर चालक उतारकर बुरी तरह पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से कार चालक को बचाकर थाने पहुंचाया। वहीं घटनास्थल पर लोगों की भीड़ ने जाम के हालात निर्मित हो गए। मृतक की पहचान उसके मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेजों से हुई। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस के अनुसार गर्दा आधारताल निवासी शाहिद खान भैंस खरीदने के लिए मोटरसाइकिल से सिहोरा जाने के लिए निकला था। जब वह खजरी खिरिया बायपास रोड से आगे बढ़ रहा था, इस दौरान पीछे से आई कार के चालक ने उसे टक्कर मार दी। कार की टक्कर लगते ही शायद मोटरसाइकिल सहित सामने की ओर गिरा, जिसे कार चालक को चलते हुए निकल गया। संस्कारधानी में गोपालबाग स्थित तलैया में युवक की लाश मिली। बताया जा रहा है कि युवक की पहचान बड़ई मोहल्ला हरदौल मंदिर मिलौनीगंज निवासी आशीष नामदेव के रूप में हुई है। वह पिछले 3 दिनों से घर से लापता था, जिसकी कल रात गुमशुदगी की रिपोर्ट गोहलपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस का कहना है कि युवक ने लव मैरिज की थी, जिसके कारण आए दिन घर में विवाद होता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा करवाया और शव पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया है। चर्चा है कि युवक ने पत्नी के वियोग में आत्महत्या कर लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।